So when we were not nice to them, so they decided to bring democracy to us. And the democracy they brought, Benazir ke saath jo hua so hua. उन्होंने पहले यहां से पहले स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए थे कि मैं डॉक्टर एके खान को अमेरिकन को दे दूंगी, ट्राइबल एरिया में अमेरिकन बॉम्बिंग करने की इजाजत दे दूंगी वगैरह वगैरह. नतीजा ये हुआ कि उनके आदि उनके मल्टीपल अटेम्प्ट हुए, इन वन अटेम्प्ट शी वाज किल्ड. नाउ द अमेरिकन हैड टू गो फॉर द फॉल बैक ऑप्शन एंड इमेजिन द फॉल बैक ऑप्शन दे गॉट मिस्टर सुदारी इन द लाइफ ऑफ द लीडर. द डील विच वॉज स्ट्रक बिटवीन सुदारी एंड द अमेरिकन वॉज Zardari will be allowed to loot the countries, rob the countries, and Americans will be allowed to destroy it. Basically, it was the Yugoslavia plan. Yugoslavia, jo unhone toda tha 1995-96, 1993, Marshall Tito ke baad, Yugoslavia, Europe ke middle mein pro-Soviet one, pro-Russia one. और उसको तोड़कर छोटे छोटे यूरोपियन वेस्टर्नाइज मुल्कों में तब्दील करने के लिए उन्होंने एक गेम प्लान बनाया था, which was called the Yugoslavia Doctrine. जिसमें इन्होंने यूगोस्लाविया के मुख्तलिफ सूबों में बगावतें बर्पा कराई, क्रोट्स को, सर्बियंस को, बॉस्नियंस को, मॉन्टेनेग्रो को, इन तमाम इलाकों में मलेशिया फौजें तैयार की, यहां पे फेडरल सर्बियन आर्मी उनसे लड़ाया, करप्ट हुक्मरान मुसलत किए, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और करप्शन की ताकि सूबों को उनके फंड और लॉ एंड ऑर्डर के फंड ना दिए जा सके. और फिर इस तमाम क्योस और अनार्की के नतीजे में चारों तरफ से मुख्तलिफ ग्रुप्स और मलेशिया को सपोर्ट करते रहे, हत्या के आखिर में जाके डेटॉन पीस एग्रीमेंट के तहत यूरोप ने पीस एग्रीमेंट किया. उस एग्रीमेंट के तहत जाके उन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि यूगोस्लाविया तोड़कर अब मुख्तलिफ मुल्कों में तब्दील कर दिया जाएगा. और उस एग्रीमेंट को कंक्लूड करने के लिए, डेटॉन पीस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, अमेरिकन की तरफ से जिस शख्स ने जाकर सारी प्लानिंग की थी उसका नाम है रिचर्ड वुडरो. एंड डज दिस रिंग एनी बेल? नाउ दिस मिस्टर रिचर्ड वुडरो हैज बीन सेंट टू पाकिस्तान to achieve the same doctrine which they achieved in Yugoslavia. So basically, 5 or 7 aadmi appoint kiye gaye Pakistan mein jo elected nahi the, selected the. Yani wo log who were planted onto Pakistan, jinka kaam ye tha ki ye us American doctrine ko Pakistan mein implement karenge, jiske andar mashallah ek se ek naam hai. Mahmood Ali Durrani jo National Security Advisor appoint kiye gaye the CIA ke, उसके बाद वो तमाम लोग जो क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज में हैं, फाइनेंस पे, इंटीरियर पे, पाकिस्तानी एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स, इंफॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स मिस्टर प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, लेसर सेड द बेटर अबाउट. सो दिस वाज द टीम दैट वाज ब्रॉट इन. पॉलिटिकल प्रोसेस वाज ओनली कॉस्मेटिक, कोई जमहूरियत नहीं थी. Prime Minister is a puppet, absolutely no worth, no value. Parliament is rubber stamp, जिसने कोई काम ऐसा नहीं करता था अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जाए. सो प्राइमरली ये जमहूरियत हमारे लिए जहर कातिल थी. दिस डेमोक्रेसी वॉज ब्रॉट टू ब्रेक पाकिस्तान. और नतीजा ये हुआ कि इसके नतीजे में कि सूबे सरहद में अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत कायम हो गई, जो कि हिस्टोरिकली सब नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट हैं, जो हमेशा पख्तूनिस्तान बनाने की इशू बात करते थे. बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट कायम हुई वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एसेट्स की थी, जो बदलाव को बलूचिस्तान तोड़कर आजाद हुकूमत बनाना चाहते हैं. सिंध में जो हुकूमत कायम हुई उनके बारे में तो कुछ ना ही कहा जाते बेहतर है. लंडन में बैठ के पूरे पाकिस्तान में सिर्फ फसाद बर्पा करने का काम करते हैं. MI6 के एसेट है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस. सो दिस वाज द फेडरल गवर्नमेंट टू माशाला. सो वी हैड दिस. सो दिस वॉज अ सिनेरियो एंड इट वाज अ डेंजरस सिनेरियो. और इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर इस सिनेरियो को चलने दिया जाता तो तकरीबन 1 साल पहले वो ये प्लान कर चुके थे कि पाकिस्तान को डिसमेंबर करके तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए. लेकिन उससे पहले इनको खौफ ये था कि पाकिस्तान के एटमी हथियार किसके पास जाएंगे. तो उसके लिए पाकिस्तान के एटमी हथियारों में, एटमी हथियार के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के अंदर इनके एसेट्स को दाखिल करना जरूरी था, जिसके लिए बड़ी कोशिश करते रहे. अल्लाह के फजल से हुआ नहीं. अब हम आपको तफसील बताते हैं. साथ साथ इन्होंने दहली के तालिबान, पाकिस्तान, बैतुल्ला महसूद और मुल्ला फतुल्ला जो शवाब में, उसके जरिए पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कैंपेन चलाई, जिससे तस्वीर हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन खुद कुछ हमला होता था, जिसमें 40-50-60 पाकिस्तानी जाते थे और दहशत जो जारी होती थी पूरी कौम के ऊपर. आपको याद होगा 2007-2008 में एक मैसिव कैंपेन टेररिज्म की चल रही थी पाकिस्तान में. ये सारे एसेट्स CIA के अपने थे. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाइपलाइन पे हमले कर रही थी. बैतुल्ला महसूद पूरी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पे, स्कूलों पे, बच्चों पे,
जो सामने आ रहा, इनकी जो हुकूमत में इनके एलिमेंट शामिल थे, बताकर खुद वो पूरी तरह से मेकिंग श्योर कि किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो सके। अवामी नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट फ्रंटियर में आ चुकी थी। इस सिनेरियो में दैट वाज अ टाइम जब मुशर्रफ को, उस वक्त मुशर्रफ प्रेसिडेंट था, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने अमेरिका जाने से पहले अमेरिकन को एक तोहफा पेश करना चाहा, और वो तोहफा आपको याद होगा कि क्या था कि इन्होंने जाने से पहले हुक्म पास कर दिया था कि आईएसआई अब रहमान मलिक कंट्रोल करेंगे। द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज नॉट गेटिंग लाइक टू थ्रो रहमान मलिक कंट्रोलिंग की आईएसआई। नतीजा ये हुआ कि आर्मी चीफ आईएसआई एंड प्रेसिडेंट मुशर्रफ एट दैट टाइम रेजिस्टेड वायलेंटली द रिएक्शन। इनफैक्ट द रिएक्शन वाज सो वायलेंट कि दे वर थ्रेटन्ड कि अगर सुबह तक ये ऑर्डर रिवर्स ना हुए तो हुक्म कर दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि सुबह 4 बजे ऑर्डर रिवर्स कर दिए गए और मिस्टर गिलानी जब अमरीका पहुंचे तो वो सिवाय बेइज्जती के कुछ साथ लेके नहीं गए। मगर उस मौके के बाद, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद, यह फैसला कर लिया गया कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ को रिमूव कर दिया जाए और जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनाया जाए। यही हुआ द मोमेंट गिलानी साहब कम्स बैक, नवाज शरीफ साहब की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया जरदारी साहब ने, कहा आइए लेट्स इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड द प्रोसेस यू ऑल नो, मुशर्रफ हैड टू रिजाइन, जरदारी वाज ब्रॉट बैक टू प्रेसिडेंट एंड देन द न्यू गेम स्टार्टेड ऑफ। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन प्रॉब्ली वी वर द मोस्ट वल्नरेबल, सबसे ज्यादा डेंजरस थ्रेटनिंग सिचुएशन पाकिस्तान की तारीख 71 के बाद उस वक्त आई थी कि जब जरदारी बिकेम द प्रेसिडेंट एंड ऑल द टीम ऑफ सीआईए वाज इन प्लेस, मुशर्रफ हैड गॉन, सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट सब नेशनलिस्ट थी जो अमेरिका खरीद चुका था जिनको, एंड द ओनली एस्टैब्लिशमेंट विच वॉज लेफ्ट टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट पाकिस्तान वॉज आर्मी आईएसआई एंड स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड विद न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम। पूरी सियासत मुंतशर थी हमारी, हमारा मीडिया मुंतशर था, हमारे हुक्मरान साहिब गद्दार हो चुके थे और चारों तरफ दहशतगर्द ग्रोह तैयार करके जगह प्लेस किए जा चुके थे कि जो पूरे पाकिस्तान में मैसिव दहशतगर्दी की कैंपेन लॉन्च करने जा रहे थे। दैट वॉज अबाउट 1 ईयर अगो एंड दैट वॉज द टाइम with the patriotic nationalist elements within the Pakistani society, establishment, armed forces, ISI, we counter-attack. Why say we? Because aapko yaad hoga ki hamara brass tacks ka program 3 saal pehle shuru hua tha. And that was the time when we came on the media and we started exposing their game plans. Aur alhamdulillah uske baad puri qaum mein ek bidari aayi hai, ek revival aaya. इस तरह आज हम आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, अल्लाह के फल से हजारों जगहों में हम लेक्चर दे चुके हैं, बात कर चुके हैं, मीडिया पूरी दुनिया में हमारी आवाज जा चुकी है। दुश्मन के सीक्रेट गेम प्लान को वक्त से पहले खोल दें अगर, फिर उनके लिए उनको इंप्लीमेंट करना आसान मुमकिन नहीं होता। यू विन हाफ द बैटल इफ यू एक्सपोज देयर सीक्रेट्स। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जो पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज में मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जिनमें सिर्फ एक ग्रुप ऐसा था जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग कर रहा था, जो सीआईए ट्रेंड था, सीआईए बैक था, इंडियन बैक था, रॉ बैक था, ये अफगानिस्तान में जिहाद नहीं कर रहा था जाके। लेकिन जितने भी अफगान जिहादी ग्रुप्स हैं, मुल्ला उमर का है, जुलुद्दीन हिकमत यार है, जलालुद्दीन अफगानी है, बाकी तमाम पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, वो पाकिस्तान की रियासत से जंग नहीं कर रहे थे। दे वॉन्टेड ओनली टू फाइट द अमेरिकन एट द नेटो, इनको अफगानिस्तान से निकाला जाए। ये ग्रुप हमारे दुश्मन नहीं थे, और अमेरिकन ये चाहते थे कि हम बेदरेब इन सब के खिलाफ भी जंग करें, मुल्ला उमर के खिलाफ और हिकमत यार के खिलाफ भी हम उसी तरह जंग करें जिस तरह हम अपने इंडियन दुश्मनों के खिलाफ करते हैं। वेल वी अंडरस्टूड देयर गेम, पाकिस्तान की मिलिट्री ने रीऑर्गेनाइज किया अपने आप को, उन तमाम मुजाहिदीन ग्रुपों के साथ पीस डील्स की गई, मिलिट्री ग्रुप के साथ वायदे किए गए कि पाकिस्तान में जंग नहीं की जाएगी, और सिर्फ उन ग्रुप्स को आइसोलेट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया कि जो रॉ सीआईए तक पैटर्नाइज कंट्रोल था, और वो आइसोलेट होकर सिर्फ दो ग्रुपों में सामने आया, एक बैतुल्ला महसूद का, एक मुल्ला फजुल्ला का, जो आपस में लिंक अप थे, जिनकी सप्लाई इक्विपमेंट वेपन्स मनी पैसा इंडिया से आता था या अफगानिस्तान के जरिए आता था, और ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खुला खुला ऐलान जंग कर चुके थे, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के वो तमाम एसेट्स बरामदा होती बराबरी अफगानिस्तान के अंदर